अब आप पढ़ा कि करैक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर किन्ने तरह की होंगे और उन्होंने टाइप्स के आधार पर जो करैक्टरिस्टिक ने किस तरह ड्रॉ होंगे ने। ठीक है जी, तो पहला आप गल करते हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर किन्ने तरह की होंगे। करैक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर तीन तरह की होंगे, जिमें कि पहली टॉर्क एंड आर्मेचर करंट, सैकेंड टॉर्क एंड स्पीड, थर्ड स्पीड एंड टॉर्क करैक्टरिस्टिक। तो आप गल करते हैं जो करैक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर है तीन तरह की। पहला आप गल करते हैं टॉर्क एंड आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट। ठीक है जी, टॉर्क एंड आर्मेचर करंट, जिहड़ी टॉर्क एंड आर्मेचर करंट का करैक्टरिस्टिक का ग्राफ है टॉर्क एंड आर्मेचर करंट के बिटवीन बनता है, तो यह जो अपनी करैक्टरिस्टिक है निर्भर करती है अपने टॉर्क के फार्मूले उपर। जो आप आर्मेचर टॉर्क का फार्मूला 1/2 pi इंटू P5ZIH अपॉन 60A। ठीक है जी, तो इस तो अपने एक रिलेशन निकल के आया कि जो टॉर्क आर्मेचर टॉर्क है जिस अपने स्पीड स्पीड पोल एंड स्पीड पोल। ठीक है, पैरेलल पाथ ये चीजें जो अपने कॉन्सटेंट होंगे ने, तो जी टॉर्क अपनी स्पीड एंड आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल आ जाती है। ठीक है जी, तो इसे अपने एक आप कही कि फंडे तो अपन इस ग्राफ का पता लगता है कि किस तरह बिहेव करता है डीसी शंट मोटर के डीसी सीरीज मोटर। दूसरी आप गल करते हैं स्पीड एंड आर्मेचर करंट, सेकंड है स्पीड एंड आर्मेचर करंट। जो सेकंड करैक्टरिस्टिक अपनी स्पीड एंड आर्मेचर करंट के विचारे बनती है। ठीक है जी, तो आप स्पीड का ही फार्मूले का एक रिलेशन कराया बैक ईएमएफ से, जो आप बैक ईएमएफ के फार्मूला लिखा है P5ZN/60A। उस विच आपां गल करी सी कि जो चीजा कॉन्सटेंट होंदियां पोल कॉन्सटेंट होंदे, स्पीड कॉन्सटेंट होंदी, कंडक्टर कॉन्सटेंट होंदे ने, आर्मेचर करंट एंड 60A जो कॉन्सटेंट होंदा, आपां इक रिलेशन निकल के आंदा है बैक ईएमएफ दा, जो कि है फाई इंटू एन। ठीक है जी, तो इन आप जो आप होर इलैबोरेट करिए EB/5 × N। ठीक है जी, तो स्पीड जो कि अपनी बैक ईएमएफ है स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती है, फ्लक्स से की है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाती है। इसी तरह ही टॉर्क का भी आप होर इलैबोरेट कर देना, जो आर्मेचर टॉर्क अपनी फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर्मेचर करंट के की है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, तो अपने हले आप दो बारे गल करिए टॉर्क एंड आर्मेचर करंट, सेकंड स्पीड एंड आर्मेचर करंट, थर्ड वन है कि अपनी स्पीड एंड टॉर्क, थर्ड है स्पीड एंड टॉर्क, थर्ड अपनी स्पीड एंड टॉर्क। तो जो ये तीन करैक्टरिस्टिक ने टॉर्क एंड आर्मेचर करंट, स्पीड एंड आर्मेचर करंट एंड स्पीड एंड टॉर्क करैक्टरिस्टिक, ये डीसी सीरीज मोटर लई ते डीसी शंट मोटर लई दोनों लई ये जिहड़ा इन्हां दा ग्राफ है ओह है अलग अलग बनता है। ठीक है जी, तो पहला आप गल करांगे डीसी सीरीज मोटर बारे, इस नोट कर लो आर्मेचर करंट, ये अपना आर्मेचर है बैक ईएमएफ एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो इस तरह सबका
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਬਣੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਰਮੇਚਰ ਟਾਰਕ ਦਾ ਫਲਕਸ ਆਰਮੇਚਰ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਈਵੀ ਪਾਈ ਇਨਟੂ ਸਪੀਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੋਟਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਰਕ ਐਂਡ ਆਰਮੇਚਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਬਾਰੇ ਡੀਸੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਰਕ ਐਂਡ ਆਰਮੇਚਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਬਾਰੇ ਫਸਟ ਆਪਣੀ ਟਾਰਕ ਐਂਡ ਆਰਮੇਚਰ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਟਾਰਕ ਆਰਮੇਚਰ ਟਾਰਕ ਐਂਡ ਆਰਮੇਚਰ ਕਰੰਟ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਰਮੇਚਰ ਟਾਰਕ ਐਂਡ ਆਰਮੇਚਰ
ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਆਰਮੇਚਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਡੀਸੀ ਸੀਰੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਆਰਮੇਚਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ ਸੀਰੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮੇਚਰ ਕਰੰਟ ਘਟਦਾ ਹੈ ਡੀਸੀ ਸੀਰੀ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਸੀਰੀ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਆਰਮੇਚਰ ਕਰੰਟ ਘਟਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਗਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਆ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਆਰਮੇਚਰ ਕਰੰਟ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ ਸੀਰੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ ਸੀਰੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਸੀਰੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ ਆਰਮੇਚਰ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ ਘਟਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਧ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸੀਰੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਆਰਮੇਚਰ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ ਘਟਦਾ ਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦਾ ਗਾ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਰਕ ਐਂਡ ਆਰਮੇਚਰ ਕਰੰਟ ਬਾਰੇ ਟਾਰਕ ਐਂਡ ਆਰਮੇਚਰ ਕਰੰਟ ਬਾਰੇ ਸੋਰੀ ਅਗਲੀ ਆਪਣੀ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਟਾਰਕ ਐਂਡ ਸਪੀਡ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਥਰਡ ਵਨ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ ਸ਼ੰਟ ਮੋਟਰ ਦੀਆਂ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ